किसान भाइयों नमस्कार मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है किसान भाइयों तरबूज जायद की एक मुख्य फसल है जिसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश कर्नाटक पंजाब हरियाणा और राजस्थान में की जाती है इसकी खेती में कम समय कम खाद और कम पानी की आवश्यकता पड़ती है तरबूज के कच्चे फलों का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है तो ही पके फलों को मीठा और स्वादिष्ट होने के कारण खाया जाता है गर्मी के मौसम में अन्य फलों की अपेक्षा तरबूज की मांग ज़्यादा होती है तरबूज की बुआई किसान जनवरी से ही शुरू कर देते हैं और अप्रैल माह से फल की तुड़ाई होने लगती है बाज़ार में बहुत सी देसी रिसर्च और हाइब्रिड किस्में उपलब्ध हैं जिसे लगाकर बहुत से किसान तरबूज की अच्छी उपज पाने में सफल हो जाते हैं तो वहीं कुछ किसान अच्छा बीज न होने के कारण तरबूज की अच्छी उपज पाने में असफल हो जाते हैं तरबूज की काली और चितकबरा दो तरह की वरायटी ज़्यादा देखने को मिलती है काला छिलका वाला तरबूज चितकबरा की अपेक्षा कम वजन का होता है लेकिन इसका भंडारण क्षमता ज़्यादा होती है और मिठास भी ज़्यादा होती है आज हम इस वीडियो के माध्यम से काले तरबूज की चार बेस्ट किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लगाकर आप तरबूज की सफल खेती करके बढ़िया आमदनी कमा सकते हैं तो चलिए चार बेस्ट किस्मों के बारे में जानते हैं चौथे नंबर पर बात करते हैं इंडस सीड कंपनी का एक हाइब्रिड किस्म का तरबूज है जिसका नाम है ब्लैकवास जिसके ऊपर का छिलका काले कलर का होता है और गुदा लाल रंग का होता है पचहत्तर से अस्सी दिन की फसल होने पर फल तोड़ने योग्य हो जाते हैं इसकी फसल काफ़ी आकर्षक होती है प्रतिफल वजन तीन से पाँच किलो तक होती है प्रति एकड़ पैदावार लगभग तीस टन तक मिल जाती है अच्छे क्वालिटी का फल होने के कारण इसकी भंडारण क्षमता उच्च होती है इसके फल का आकार अंडाकार होता है इसके बीज की कीमत की बात करें तो 50 ग्राम बीज की कीमत ऑनलाइन उन्नीस सौ के आसपास होती है तीसरे नंबर पर बात करते हैं सेमनिस कंपनी का एक हाइब्रिड किस्म का तरबूज है जिसका नाम है माधव यह अभी काले तरबूज की एक बढ़िया किस्म है साठ से पैंसठ दिन की फसल होने पर फल तुड़ाई योग्य हो जाते हैं प्रतिफल वजन तीन से पाँच किलो तक होता है यह एक अर्ली किस्म है इसके फल का छिलका गहरा हरा और अंदर का गूदा लाल कलर का होता है इसकी भी भंडारण क्षमता उच्च है इसके फल का आकार अंडाकार होता है प्रति एकड़ पैदावार लगभग तीस टन तक मिल जाती है इसके बीज की कीमत की बात करें तो 50 ग्राम बीज की कीमत ऑनलाइन लगभग 1500 के आसपास होती है दूसरे नंबर पर बात करते हैं सागर सीड्स कंपनी का एक हाइब्रिड किस्म का तरबूज है जिसका नाम है सागर किंग यह तरबूज की एक बेस्ट वैरायटी है 60 से 70 दिन की फसल होने पर फल तुड़ाई योग्य हो, हो जाते हैं इसके फल का छिलका गहरा हरा और गुदा लाल रंग का होता है फल का आकार अंडाकार और प्रति फल वज़न तीन से पाँच किलो तक होता है यह अभी एक अर्ली किस्म है सागर किंग की फसल से प्रति एकड़ तरबूज की पैदावारी लगभग तीस टन तक मिल जाती है इसकी भी भंडारण क्षमता उच्च है प्रति एकड़ बुआई के लिए बीज दर दो से लेकर तीन ग्राम तक लगता है इसके 50 ग्राम बीज की कीमत ऑनलाइन लगभग सत्रह सौ रुपये के आसपास होती है सागर किंग तरबूज खाने में मीठा और काफ़ी स्वादिष्ट होता है पहले नंबर पर बात करते है, हैं नूनहेम्स कंपनी का एक हाइब्रिड तरबूज है जिसका नाम है मैक्स यह भी काले तरबूज की एक बढ़िया किस्म है इसके फल का वज़न लगभग चार से लेकर पाँच किलो तक होता है फल का छिलका गहरे हरे रंग का और गुदा लाल रंग का होता है फल अच्छे क्वालिटी का मीठा और स्वादिष्ट होता है मैक्स की फसल जैसे ही साठ से सत्तर दिन की होती है तो फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं प्रति एकड़ पैदावार भी लगभग बत्तीस टन तक देने में सक्षम है अच्छे क्वालिटी का फल होने के कारण भंडारण क्षमता भी उच्च है प्रति एकड़ बुआई के लिए लगभग 400 ग्राम बीज लगता है इसके 1000 बीज की, की कीमत ऑनलाइन लगभग उन्नीस सौ के आसपास होती है किसान भाइयों ये चारों तरबूज की किस्में तरबूज की खेती करने वाले किसानों के लिए बेस्ट हैं ये चारों किस्में तरबूज की अधिक पैदावार देने में भी सक्षम है इनका फल गुणवत्ता युक्त मीठा और स्वादिष्ट होता है भंडारण क्षमता भी अन्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक है बाजार में इनका अच्छा रेट भी मिलता है इन चारों में से किसी का भी चुनाव बुआई के लिए करके काले तरबूज की अधिक पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद